बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। दरअसल देश में आज सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि 83,883 नए मामले सामने आए, और वहीं 24 घंटे में देश में जो मरीजों की मौत हुई है उसका आंकड़ा है 1,043। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में जो आंकड़ा सामने आया है वो 38,53,407 पहुंच गया है। एक्टिव केस की संख्या 8,15,538 है, तो वहीं अब तक 29,70,493 मरीज जो कि इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दे डाली है, तो वहीं कोरोना से अब तक 67,376 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि कोरोना से अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, यानी कि जो सैंपलिंग का दायरा है, जो टेस्टिंग का दायरा है वो ज्यादा हुआ है, और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। 83,883 नए मामले, वहीं 24 घंटे में देश में 1,043 मरीजों की मौत हुई है। तो एक तरफ जहां ठीक होने के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं उससे डबल तेजी के साथ नए मामलों के सामने आने का सिलसिला भी शुरू है। दरअसल अब तक 70,000 के दायरे में ही आ रहे थे, 70,000 से कम ही नए मामले रोजाना देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वहां पर भी देखा जाए तो जो टेस्टिंग हो रही थी वो काफी ज्यादा संख्या में हो रही थी, और ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद इससे ज्यादा ना पहुंचे, क्योंकि रिकवरी रेट भी लगातार हम बेहतरी की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा अब नए मामलों का सामने आया है देश में, जहां संख्या 83,883 पर है। तो ये नए मामले जो सामने आए हैं, यानी कि 80,000 से पार अब शायद हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें इसी तरह का आंकड़ा अब देखने को मिले। लेकिन वहीं 24 घंटे में 1,043 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। तो एकाएक करके अपना दायरा, अपना फैलाव यहां पर कोरोना बढ़ाता हुआ, हालांकि लोग सावधानियां बरत रहे हैं, कुछ सावधानियों को बरतते हुए तो कुछ लापरवाहियों के चलते हुए, और कहीं ना कहीं यही लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, जहां देश में इस तरह से आंकड़ा एकाएक करके बढ़ रहा है, और ये आंकड़ा 38,50,000 को पार अब कर गया है। तो 67,376 मरीज जिनकी अब तक मौत हो चुकी है देश में, और लगातार यही प्रार्थना, यही उम्मीद यहां पर की जा रही है कि जिस स्थान पर अभी भारत बना हुआ है उससे आगे स्थान पर भारत ना जाए। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखकर लगता नहीं कि इसी स्थान पर भारत बना रहेगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, अमित दुबे हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं। तो अमित, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा एक बार फिर से नए मामलों का सामने आने का, सैंपलिंग कितनी हुई और जिसके बाद ये आंकड़ा सामने आया है? देखिए, लगातार उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे, पिछले कुछ दिनों में राहत नजर आ रहा है कि 70,000 से कम मामले थे, आज एक बार फिर हम ऊपर जा रहे हैं, 83,883 नए मामले, एक अपने आप में रिकॉर्ड है। हालांकि अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग का भी एक रिकॉर्ड बना है, 11,72,000 से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो पिछले 24 घंटे में हुई है, तो ऐसे एक बड़ा पैमाना है जिस पर सरकार भी जोर दे रही है, और यही वजह है टेस्टिंग प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज की अब 38,00,000 के ऊपर मामले हो गए, अगर ब्राजील की बात करें तो वहाँ 40,00,000 के ऊपर मामले हैं, यानी दूसरे नंबर की पोजीशन से भी हम ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में जब अनलॉक 4 चालू हो चुका है तो लोगों में उस तरह का कोई डर नहीं दिखता कोरोना का। और मेट्रो भी 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो जाहिर तौर पर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और नदारद होगी, मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं जी। लेकिन अगर इस टेस्टिंग के साथ हम जो बढ़ते हुए मामले हैं अमित उसको देखें और साथ ही रिकवरी रेट को देखें, हम आने वाले वक्त में क्या रिकवरी रेट को बेहतर होते हुए देख सकते हैं, या फिर जो स्थिति है वो और भी यहाँ पर निचले स्तर पर जा सकती है? देखिए, दो चीजें बहुत अच्छी हो रही है, सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो लगातार कम हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज की जो भारतीय वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, फर्स्ट ट्रायल जो है वो सफल हुआ है, एम्स जो दूसरा ट्रायल है भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन का, उसका ट्रायल 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, यानी सेकेंड ह्यूमन ट्रायल जो है वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, अगर ये भी सफल रहा तो बहुत जल्द जो है वैक्सीन को लेकर अच्छी चीजें आ सकती हैं। अमेरिकी कंपनी की बात करें तो उनका ट्रायल जो है वो 3rd फेज में चल रहा है, यानी उनके 2 फेज हो चुके हैं, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और
वैक्सीन आने के बाद ही लोगों को इन चीजों से निजात मिल सकेगी। फिलहाल जिंदगी जिस तरह से संघर्ष की होती है, ऐसे में लोगों को भी ज्यादा देर जो है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या अन्य चीजें हो, रोजी रोटी के लिए कई बार होता है कि चीजें जो है वो अनदेखी करनी पड़ती है, और यही सारी वजह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के।